हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 7 टॉम लूसेस अ टूथ का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम लोग स्टोरी को लाइन बाय लाइन एनालाइज करें, उससे पहले चलिए हम लोग इसके राइटर को यानी इसके ऑथर को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था, 30 नवंबर 1835 में, और इनका डेथ 21 अप्रैल 1910 में हुआ था। असल में ये जो मार्क ट्वेन है, ये एक उपनाम है, यानी कि पेन नेम है सैमुअल लैंगन हॉर्ने क्लेमेंस का, ठीक है। यानी कि इनका असली नाम है सैमुअल लैंगन हॉर्ने क्लेमेंस, और ये मार्क ट्वेन से के नाम से लिखा करते हैं। ये एक अमेरिकन ऑथर और ह्यूमरिस्ट भी है। यानी ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है हास्य रस लेख जो लिखते हैं। यानी कि इनकी जब आप स्टोरी पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे, तो आपको देखने मिलेगा कुछ ऐसी लाइन है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसे आपको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपको हंसी आएगी। दोस्तों, ये जो स्टोरी है टॉम लूसेस अ टूथ, वो एक मार्क ट्वेन की नॉवल थी द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, उससे ली गई है। दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनालाइज करें, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने एक फेसबुक पेज बनाया है, आप जाके उसे लाइक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आपके वीडियो से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन उस फेसबुक पेज पर अपलोड की जाएगी, और नोट्स भी आपके उसी फेसबुक पेज पर आपको मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द जाएँ और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेज को लाइक करें। अब चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। दोस्तों, आप इस स्टोरी में देखने वाले टॉम नाम का एक कैरेक्टर को, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अलग अलग तरीका के बहाने बनाया करता है कि स्कूल से ना जाना पड़े। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, आप बहुत ही इन्जॉय करने वाले हो इस स्टोरी को पढ़ के। दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो टॉम की जो शरारतें हैं ना, आप उसे देखोगे तो पक्का हंसोगे। तो चलिए मैं स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग्स टू बी माइजरेबल। टॉम हमेशा ये पाता था कि मंडे का जो सुबह है उसके लिए अनलकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंडे से अब उसे स्कूल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो मंडे को जो है अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अनलकी मानता था। मंडे बिगेन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। अब देखिए कितना अच्छा लाइन का इस्तेमाल किया गया है कि वो सोचता है मंडे वीक का पहला दिन है जब से उसे पूरे वीक में अब स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है, और उसका हर एक पल स्कूल में गुजरा हुआ हर एक पल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा होगा। पूरा सप्ताह स्कूल अटेंड करना होगा और वही हर दिन का झमेला। टॉम ले थिंकिंग, टॉम सोचने लगा इस बारे में। प्रेजेंटली ही विश्ड डैट ही वॉज सिक, देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। और जल्दी उसके मन में ये विचार आने लगता है, वो सोचने लगता है खास वो बीमार रहता तो उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता, वो घर में ही रहता। ही इन्वेस्टिगेटेड इज बॉडी विद द होप ऑफ फाइंडिंग सम एलिमेंट। और वो क्या करता है, अपने बॉडी को पूरे आशा से सर्च करने लगता है कि काश मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा दर्द मिल जाए, कुछ ऐसा रोग मिल जाए जिससे मुझे स्कूल ना जाना पड़े। सोचिए टॉम कैसा लड़का, वो अपने बॉडी में अपने में रोग खोजता, अपने में दर्द खोजता, अपने आप को मुश्किल देना चाहता है ताकि वो स्कूल की जाने से बच जाए। सोचिए स्कूल जाएगा तो भी उसे मुश्किल होगा, और अपने बॉडी में अगर वो कोई दर्द या पेन खोजेगा तो भी मुश्किल होगा, उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फिर भी वो अपने बॉडी का जो परेशानी है उसे झेल सकता है, पर स्कूल की परेशानी को वो बिल्कुल नहीं झेल सकता है। ही थॉट दैट ही हैड फाउंड सिम्टम्स ऑफ स्टमक ट्रबल। और वो सोचता है कि चलो बॉडी में मुझे सर्च करने के बाद कोई लक्षण मिल गया पेट का समस्या का, कि उसे पेट में अब दर्द है। ही बिगेन टू ग्रो होपफुल। वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर आशा आ गई कि नहीं, अब तो मुझे कोई ना कोई सिम्टम्स मिल ही गया, लक्षण मिल ही गया कि नहीं मुझे बीमारी है, मेरे पेट में दर्द है, अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हाउ एवर द सिम्टम्स सून ग्रो फेवल एंड होली वेंट अवे। पर टॉम की तो ये थिंकिंग थी कि उसके पेट में दर्द है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, तो उसके मन में एक आशा आ गया था कि चलो अब तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पर क्या करे बेचारा, जब बाद में बहुत इसके बारे में सोचता है तो दिखता है ना, इसका तो कोई लक्षण पता चल ही नहीं रहा है, मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि मेरे पेट में दर्द है, कुछ लक्षण भी तो मुझे इसका दिखाना होगा सबको प्रूफ करने के लिए। तो क्या होता है, उसका ये आशा में निराशा में बदल जाता है, और उसका ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है उसका वो लक्षण, और वो पेट दर्द उसका बिल्कुल गायब हो जाता है। तो दोस्तों, हमने जितना पढ़ा इस पैरा को, चलिए इसके हार्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पैरा को एंजॉय करेंगे। माइजरेबल का मतलब होता है दोस्तों अनलकी,
सफरिंग का मतलब होता है कष्ट पाना, ठीक है, और स्लो सफरिंग का मतलब धीरे धीरे कष्ट पाना। प्रेजेंटली यहाँ पे जल्द होगा। एलिमेंट का मतलब होता है पेन या फिर सिकनेस। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। ट्रबल का मतलब होता है समस्या। फीबल का मतलब होता है वीक। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉम थॉट फर्दर। टॉम आगे की सोचने लगता है। अब सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, तभी वो एक नई चीज़ का खोज कर लेता है। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, और उसके सामने का ऊपर का एक दांत हिल रहा होता है। ही फेल्ट लकी, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस करने लगता है। चलो मेरे पास कोई तो कोई अच्छा बहाना मिला मुझे। ही वॉज ग्रो अबाउट टू ग्रोन, और वो इस आशा को लेकर चीखने वाला था, अपना दर्द की चीख दूसरों को सुनाने ही वाला था। वीन ई टॉकर टू हीम दैट इफ आंट पॉली वॉज टू नो सी वुड स्योरली पुल इट आउट, पर अचानक से उसे ये ध्यान में आ जाता है कि अगर आंट पॉली को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो मेरे इस दांत को जरूर उखाड़ देगी। एंड दैट वुड हर्ट, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा। सोचिए, वो दांत का बहाना निकाला, फिर भी उसे एक डर था कि नहीं, आंट पॉली है, वो दांत उखाड़ देगी, फिर भी मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, दर्द भी उठाना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो देखिए वो क्या करता है। टॉम थॉट ही वुड होल्ड द टीथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट, वो सोचता है कि उसे टीथ को, अपने दांत के इस बहाने को वर्तमान के लिए बचा के रखना चाहिए, बाद में इसका इस्तेमाल करेगा वो। ही रिमेंबर्ड हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर दैट अ सर्टेन एलिमेंट कुड ले अप अ पेशेंट फॉर 3 डेज, और उसे याद आता है कि उसने एक डॉक्टर के मुँह से सुना था कि अगर कोई भी पेशेंट को दर्द है, पेन है उसके कोई भी बॉडी पार्ट में, तो उसे वो पेन 3 दिन तक रहता है। एंड मेक हीम फी लूज अ फिंगर, और वो क्या करता है, इस चीज़ को ध्यान में करता है, अपनी उंगलियों को लूज कर लेता है और चेक करने लगता है। ही एगरली ड्रू हिज सोटो फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन, वो क्या करता है, उत्साह से वो सोया हुआ रहता है, चद्दर ओढ़ा हुआ रहता है, वो अपनी चद्दर को हटाता है, अपने पैर को ऊपर कर लेता है और अपने पैर के टो को जाँचने लगता है कि कहीं तो इसमें हमको कुछ मिलेगा सिम्टम्स, कुछ तो मिलेगा लक्षण जिससे मैं बहाना बना सकूंगा। ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, पर उसे पता ही नहीं था कि टो पेन का क्या सिम्टम हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है। हाउएवर इट सीम लाइक अ गुड चांस, फिर भी वो सोचता है कि हालांकि ये एक अच्छा मौका है मेरे लिए, एक अच्छा चांस है। टॉम फेल टू ग्रोनिंग, टॉम सोचा कि चलो अब मैं ग्रोनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, चीखना स्टार्ट कर देता हूँ कि मुझे पेन हो रहा है टो में मेरे। बट his ब्रदर सीट slept on, पर उसका भाई सीट जो था वो सो रहा था। चलिए दोस्तों, अब हम इस पैरा के हार्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। ग्रोन का मतलब होता है जब किसी दर्द के कारण हमारे मुख से छींक निकले तो उसे हम लोग ग्रोन कहते हैं, जैसे कि ओह माय गॉड दर्द हो रहा है, ऐसी कुछ छींक को क्या बोलते हैं, ग्रोन। उसके बाद एगरली, एगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। फिर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है क्लोज एग्जामिन या फिर जांच करना। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, टॉम जोर जोर से चीखने लगा था अपने दर्द को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका भाई सिड सो रहा था और वो चाहता था कि सिड जाने कि उसे दर्द हो रहा है उसके टो में। ही फैंसी डैड ही बिगेन टू फील पेन इन द टो, अब उसे यह कल्पना भी होने लगा था कि उसके टो में अब उसे दर्द महसूस हो रहा है, पर इससे पहले उसे कोई भी, उसके पास सिम्टम्स नहीं था, कोई भी लक्षण उसको नहीं पता था कि उसके टो में दर्द हो रहा है। पर देखिए अब वो कल्पना करने लगा तो उसके टो में दर्द हो रहा है, वैसा वो महसूस भी अब कर रहा है। नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम सीड, फिर भी सीड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है टॉम की तरफ, क्योंकि सीड सो रहा होता है। टॉम देन स्टार्टेड सक्सेशन ऑफ ग्रोन्स, टॉम देखता ये क्या, मैं तब से चीख रहा हूँ, सीड इस पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, मुझे कुछ कह भी नहीं रहा है, ये तो सोया हुआ है। तो टॉम क्या करता है, लगातार अपनी दर्द की चीख को बढ़ाता जाता है ताकि कभी ना कभी सीड तो सुनेगा उसकी आवाज़ को और उठेगा। हाउएवर सीड स्नोड ऑन, हालांकि सीड तब भी सो रहा था खराटे लेके, उसे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि टॉम जो है चीख रहा है। टॉम बिकेम एक्साइटेड, और टॉम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सब देख, क्योंकि जा मैं इतना जोर जोर से चीख रहा हूँ और सीड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ओ शिट अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। ही सेड सीड सीड एंड सूक हिम, तो उसने प्लान लगाया, वो क्या करता है सीड को आवाज़ देता है सीड सीड और उसे हिलाता है ताकि सीड उठ जाए। दिस कोर्स वर्कड वेल, और उसका ये तरीका काम भी कर जाता है, सीड को जब वो उठाता है तो सीड उठ भी जाता है।
Sid yawned, then rising himself on his elbow, stared at Tom. और सिड क्या करता है, हापी या फिर आप कह सकते हैं उबासी और अंगराई लेते हुए उठता है अपने एल्बो के सहारे और टॉम की तरफ एक टक से देखने लगता है, क्योंकि जाहिर सा बात है सिड सो रहा था, टॉम उसे अचानक उठाता है तो कोई भी इंसान रहेगा, जो इंसान उठा रहा उसे देखेगा ही, तो इसीलिए सिड भी टॉम की तरफ एक नज़र से देखने लगता है। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम अपनी चीख को तेज कर लेता है और चीखना लगातार चालू कर देता है। सिड से टॉम से टॉम, अब सिड कहता है, जब देखता है सिड की टॉम चीख रहा अपने दर्द को लेकर, तो सिड कहता है टॉम से टॉम, टॉम बोलो टॉम तुम्हें क्या हुआ। नो रिस्पॉन्स, यहाँ पे टॉम जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता सिड को, क्योंकि टॉम दिखाना चाहता है कि नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं चीख रहा हूँ, मुझे बोलने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, तुम मेरी चीख से ही समझ जाओ। हेयर टॉम, टॉम व्हाट्स द मैटर टॉम, ये सब देख के सिड परेशान हो जाता है और वो टॉम से कहता है टॉम टॉम क्या हुआ, टॉम क्या बात है जो तुम चीख रहे हो मुझे भी बताओ। सिड सूक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एनेक्सली, सिड क्या कहता है टॉम को हिलाता है और उसके फेस में यानी उसके चेहरे को देखता है बड़ी चिंता के साथ कि क्या हुआ अचानक से टॉम जो है चीखने लगा। टॉम मोंड आउट और टॉम रोने लगता है। ओ डोंट सिड, ओ ऐसा मत करो सिड, डोंट सेक मी, मुझे मत हिलाओ। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, अब यहाँ पे सिड कहता है टॉम से कि क्यों क्या हुआ टॉम तुम बताओ तो मुझे। आई मस्ट कॉल आंटी, मुझे लगता है आंटी को मुझे बुलाना चाहिए जरूर। नो नेवर माइंड, नहीं जरूरत नहीं है, डोंट वरी, नेवर माइंड का मतलब होता है दोस्तों डोंट वरी, ठीक है। इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मे बी। अब यहाँ पे देखिए वो सोचा कि अगर मैं बोल दूंगा ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा, सीड आंटी को नहीं बुलाएगा, इसीलिए वो क्या बोल देता है मे बी, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाए, वो ऐसा उसको दिखाता है। डोंट कॉल एनी बडी, वो कहता है कि नहीं तुम्हें किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो, पर मुझे बुलाना चाहिए, तुम मत चीखो टॉम, इट्स ऑफुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा माया आ रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है कि तुम चीख रहे हो, तुम्हें लगता है बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे, तुम्हें कब से दर्द कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ टॉम से पूछता है कि तुम्हें कब से दर्द कर रहा है, तुम कब से चीख रहे हो। आवर्स, आउच, ओह, यहाँ पे अब सिड के सवाल पे टॉम जवाब देता है कि घंटों से मुझे दर्द कर रहा, और वो आवाज़ निकालता है आउच ओह कि उसे दर्द कर रहा है। डोंट स्टिर सो सिड, तुम ज़्यादा हलचल मत करो, यू विल किल मी, अगर तुम ज़्यादा हलचल करोगे तो मैं मर जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। टॉम वाई डिडेंट यू वेक मी सूनर, टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया जब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो। ओह टॉम यू आर नॉट डाइंग, टॉम तुम मर नहीं सकते, तुम नहीं मर रहे, आर यू, क्या तुम मर रहे हो। डोंट टॉम, ओ डोंट, वो डर जाता है बेचारा। सिड भी टॉम को देखकर बोलता है नहीं टॉम तुम नहीं मर सकते, तुम मत मरो प्लीज़, आई फॉरगिव एवरीबडी सिड। और टॉम यहाँ पे देखिए और कहता है बना चना के कि नहीं मैं मर रहा हूँ, मैं सबको छोड़कर जा रहा हूँ। सिड टेल देम सो, तुम सबको ये बात कह दो। सिड हैड रश टू कॉल हेल्प, सिड दौड़ता हुआ तुरंत जाता है मदद के लिए। टॉम इमेजिनेशन वॉज वर्किंग परफेक्टली बाय नाउ, और टॉम जैसा कल्पना किया था, वो जैसा सोचा था बिल्कुल उसी तरीका से हो रहा था, उसका प्लानिंग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा था। एंड हिज ग्रोन्स हैड गैदर अ जेन्युइन टोन, और उसका जो चीखने की आवाज़ है वो बिल्कुल ही रियल लग रही थी, लग रहा था कि मानो सच में उसे पेन हो और वो चीख रहा हो दर्द के मारे। मीनवाइल सिड फ्लू डाउन स्टेयर एंड सेड ओह आंट पॉली कम, और उसी समय सिड दौड़ता हुआ सीढ़ी से नीचे उतरता है और आंट पॉली के पास जाता है और कहता है टॉम्स डाइंग, टॉम मर रहा है आंट पॉली, चलिए मेरे साथ। अब आंट पॉली जब ये खबर सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है डाइंग, क्या बोल रहे हो सिड, टॉम मर रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है, चलिए उसकी हार्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। फैंसीड का मतलब होता है अनुमान या फिर कल्पना, सक्सेशन का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना, पर यहाँ पे होगा लगातार चीख की आवाज़ को बढ़ाना। स्नोड का मतलब होता है खर्राटा, शुक का मतलब होता है हिलाना, यौन का मतलब होता है उबासी और अंगराई, फिर उसके बाद देखिए एनेक्सियली का मतलब होता है चिंता के साथ, मौन का मतलब होता है रोना, फिर देखिए ऑफुल का मतलब होता है माया, ठीक है, माया कर रहा था, उसे माया आ रहा था टॉम को देखकर,
स्टिर का मतलब होता है हलचल, और देखिए लास्ट में है जेन्यून टोन जिसका मतलब होता है वास्तविक स्वर या फिर रियल वॉइस। दोस्तों आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे जो चैप्टर है स्टोरी है उसका टाइटल है टॉम लूसेस अ टूथ, पर यहाँ देखिए दोस्तों टो पेन के कारण टॉम जो है वो मर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सस्पेंस है दोस्तों जो कि मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे कैसे टो पेन से वो टूथ में चला जाता है और इसका टाइटल टॉम लूसे से टूथ पड़ जाता है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इतना ही आज पढ़ने वाले, नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो स्टोरी उसे कम्प्लीट करेंगे। और दोस्तों अगर आपको समझाने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से हमारी जितनी भी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहेगी। और हाँ दोस्तों अगर आपको इस स्टोरी से हमारी पास्ट की कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।